नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये अहम प्रोग्राम तालीम को लेकर है। जिस तरह आप जानते हैं कि मुसलमान तालीमी मैदान में कितना पिछड़ा हुआ है, तालीमी मसाइल क्या है, हमारे तुलबा तालबात तालीम को लेकर कितनी मुश्किलात से गुज़रते हैं, ये सब आपके सामने हैं। तालीम के साथ साथ हमारे नौजवानों में बिलखुसूस तुलबा तालबात में जो अखलाकियात की गिरती हुई मिसाल है वो भी हमारे पेश नज़र है। इन्हीं सब बातों को लेकर हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सैयद आबिदुर रहमान साहब, जो तिब्बी कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। जिस तरह से शहर में और मुल्क में बहुत सारी तंजीमें तालीम को लेकर काम कर रही है, सामाजिक खिदमत अंजाम दे रही है, उसी तरह पूरे मुल्क भर में 10 सूबों में फेडरेशन ऑफ इस्लामिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे 10 सूबे में काम कर रही है, उसकी ज़ेली तंजीमें हैं, या ये समझिए कि उसके साथ में जुड़ी हुई और दीगर तंजीमें हैं। इसकी एक ज़ेली तंजीम है मुस्लिम यूथ फाउंडेशन, जो कि इस वक्त मुंबई, पुणे और थाने, इन तीन ज़िलों में तालीम को लेकर एक ख़ास मुहिम चला रही है। उस मुहिम का उन्वान है मिनत जुलुमाती इलन नूर। इन्हीं सब बातों को लेकर, इन्हीं सब मसाइल को लेकर और ये तंजीम क्या पैगाम पहुंचाना चाहती है, डॉक्टर सैयद आबिदुर रहमान साहब से हम गुफ्तगू करेंगे और इनसे जानेंगे कि इनकी मुहिम की मकासद क्या है। आइए हम सबसे पहले डॉक्टर साहब का आमना सामना मीडिया नेटवर्क में इस्तकबाल करते हैं। डॉक्टर साहब आपका इस्तकबाल है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि आपकी तंजीम ने ये जो मिनत जुलुमाती इलन नूर जो मुहिम शुरू की है, जिसका आगाज़ किया है, इसका मकसद क्या है? इसका बुनियादी जो मकसद है वो ये है कि जो मुस्लिम तलबा है, तलबा और नौजवान है, जो तालिबात है और तालीमी मैदान में इनको जो मसाइल आए दिन के दरपेश आते हैं, इनका एक इस्लामी हल फेडरेशन जो है उनके सामने रखना चाहती है। और वो जो मसाइल उनके साथ दरपेश आते हैं उसकी असल हकीकत क्या है और उनका इस्लामी हल क्या है, इस बड़े मकसद के तहत फेडरेशन ने इस मुहिम को लॉन्च किया है जी। और 26 अगस्त से 16 सितंबर तक के इस कैंपेन की एक्टिविटीज़ चलेगी और यही पैगाम हम अहले हिंद को जो है इस कैंपेन के ज़रिए से देना चाहेंगे जी। तो इस कैंपेनिंग में आप तालीम को लेकर क्या क्या प्रोग्राम पेश करेंगे? तालीम को लेकर के जो कुछ प्रोग्राम हमारे मतलब इस कैंपेन के ज़रिए से चलेंगे, उसमें पहला मसला ये है कि अगर आप प्रेजेंट सिनेरियो पे थोड़ा सा नज़र डालेंगे जी, तो उसमें पहली चीज़ ये है कि तालीम जो लोग हासिल कर रहे हैं उन लोगों पर किसी एक मखसूस मज़हब का थोपा जाना जी। हम कभी भी जो है तालीम को मज़हब के साथ जोड़ने के मुखालिफ नहीं हैं जी, लेकिन हमारा मानना ये है कि जो लोग तालीम हासिल कर रहे हैं, जो तबका तालीम याफ्ता तबका है, खुसूसन मुस्लिम नौजवान है, मुस्लिम तलबा तालिबात हैं, इनको तालीम के उमूर में अपने ही मज़हब को फॉलो करने की पूरी तरह आज़ादी जो है वो दी जानी चाहिए। कोई एक मखसूस और पर्टिकुलर मज़हब या वो मज़हबी उमूर उन पर थोपे नहीं जाने चाहिए, ज़बरदस्ती जो है थोपे नहीं जाना चाहिए, जिसकी बहुत सारी मिसालें हैं। दूसरी चीज़ ये है कि तालीम का, जैसे आपने कहा कि मज़हब से मतलब उसको नहीं जोड़ना चाहिए, हाँ मज़हब से जोड़ा जाना चाहिए लेकिन किसी एक मखसूस मज़हब की डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए। कोई एक मखसूस मज़हब ही जो है हावी होकर के ना रह जाए, जो अहले इक्तदार है जिनके हाथ में हुकूमत है वो ये ना चाहें कि सिर्फ हमारे ही मज़हब को फॉलो किया जाए, वो आया कम्युनिस्ट हो, आया मुस्लिम हो, आया कोई और हो। हर स्टेटा को, समाज के हर जो है तबके को अपने मज़हब को फॉलो करने की तालीमी उम्र में वो पूरी आज़ादी होनी चाहिए जी। तो इसके मतलब फ़ायदे क्या होंगे, इसके मतलब तालीम और इल्म के साथ साथ मज़हब को जुड़ने के फ़ायदे क्या होंगे? देखिए, जब मज़हब को हम तालीम से जोड़ते हैं उसमें सबसे पहली चीज़ है मौरफत इलाही। मज़हब ने जो तालीम की वो दी है, मतलब जो इल्म हासिल करने की जो बात हमारे यहाँ कही गई, हम उस बात को बार बार अपनी बातों में लाते हैं कि इस कौम को जो है, इस कौम के कौम को जो है पहला हुक्म दिया गया पढ़ने का जी, इक़रा बिस्मि रब्बिक जी। तो आप देखिए कि यहाँ पे चीज़ को, इस चीज़ को जो है मशहूर कर दिया गया है, पढ़ने का हुक्म है
लेकिन पढ़ने का ये हुक्म अल्लाह तआला के नाम के साथ जोड़ दिया गया है, इकरा बिस्मे रब्बी। तो इसमें पहली जो चीज़ है वो ये है कि इंसान पढ़ लिख करके जो कुछ काबिलियतें सलाहियतें उसके अंदर पैदा होती है, उन काबिलियतों सलाहियतों के ज़रिए से वो खुद अल्लाह तआला को पहचानने वाला बन जाए। दूसरी चीज़ ये है कि वो उसके अंदर खुद शनासी भी आए, वो ना सिर्फ अल्लाह तआला को पहचाने बल्कि अल्लाह तआला ने उसको इस यूनिवर्स में किस मुकाम पर रखा है, कौन से मनसब पे उसको जो है रखा है, जैसे नायब होने की हैसियत से, खलीफा होने की हैसियत से, इंसान खुद अपने आप को जो है पहचाने। जब इंसान अपने आप को पहचानेगा, अपनी पोजीशन का उसको इल्म हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि उसकी जिम्मेदारी का शऊर उसको आएगा, उसके पैदा किए जाने का मकसद उसको पता होगा कि मैं असलन यहाँ पैदा खाने कमाने और मर जाने के लिए नहीं हुआ, मैं दुनिया में किस मकसद से आया हूं, बल्कि उसका बहसत मुसलमान दुनिया में आने का उसका मकसद क्या है और बहसत मुसलमान उसकी जिम्मेदारियाँ क्या है। ये तालीम के ज़रिए से जो शऊर उसको पैदा हो रहा है वो शऊर उसको इस पोजीशन तक और यहाँ तक लेकर आए, ये हमारा जो है मतलब हमारा मानना है। हाँ, मजहब जब तालीम के साथ जुड़ता है तो ये चीज़ें उसके अंदर पैदा होती हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बात रखी कि मजहब का भी जुड़ना ज़रूरी है, लेकिन एक ख़ास मजहब की तबलीग ना हो जी, तो अब जैसे कि आपका ये जो मकसद है, हम ये कहना चाहेंगे कि जो हमारे मुस्लिम इदारे हैं वहाँ तक तो हम अपनी मर्ज़ी से अपने मजहब की तबलीग कर सकते हैं, ये इसका हक जो हमें मुल्क के कानून में दिया है, लेकिन जब आगे हायर स्कूल में कॉलेजेस में जाते हैं हम, वहाँ पर मुख्तलिफ मजहब के मानने वाले तुलबा और तालबात जो है वहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, और वहाँ पर कैसे मुमकिन है कि एक सारे मजहब की या तो मालूमात हो या फिर इस तरह का कोई चैप्टर ही ना हो। यहाँ पे देखिए, ज़्यादा मामला इंसानी आज़ादी की बात है सर, जैसे हम कहते हैं कि हमारा मुल्क एक सेकुलर मुल्क है, यहाँ पे हर मज़हब को फॉलो करने वालों के लिए उसके मज़हब को फॉलो करने की आज़ादी है। तो अगर हमारा कोई तालिब इल्म, कोई तालिबा हमारी वर्किंग आवर्स में, एजुकेशन टाइमिंग में नमाज़ पढ़ना चाहे तो उसको नमाज़ पढ़ने के लिए कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। जी, बिल्कुल। और शुरुआत में तो पहले तो उसके अंदर इतना शऊर होना चाहिए कि नमाज़ का वक्त हो गया तो उसको नमाज़ पढ़ना है, इन्हें सब अपने अपने मज़हब को फॉलो, मतलब उसको अपने मजहबी उमूर को फॉलो करने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए, ना ये कि कोई एक पर्टिकुलर मज़हब उस पर थोप दिया गया, आप ऐसे नहीं कर सकते। आपको अगर किसी सरस्वती वंदना के लिए खड़ा होना है तो आपको सबको मिलकर के खड़े होना है, ऐसे नहीं, बल्कि अगर कोई ना चाहे तो उसको पूरी आज़ादी वॉकआउट करने की आज़ादी होनी चाहिए, ये हमारा जो है। एक खास सब्जेक्ट जैसे कि कुछ हमारे सिलेबस में भी जो है जी, कुछ खास मज़ाहिब के चैप्टर जोड़ दिए गए जी, वो कहाँ तक सही है? इसमें ऐसा है कि एक चीज़ तो इसमें पहले तो ख़यानत से काम लिया गया, तारीख़ के बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स जिनका कोई अपनी हिस्टोरिकल वैल्यू नहीं है, लेकिन उस मेन कैरेक्टर्स को जो है मेन कैरेक्टर को ख़त्म करके उन कैरेक्टर को सामने लाया गया और नई जनरेशन को ये बताया गया कि असल कैरेक्टर ये नहीं है, असल कैरेक्टर ये, तारीख को मस्क करने की कोशिश की गई और मेन कैरेक्टर को निगेटिव मनफी अंदाज में जनरेशन के सामने पेश किया गया, और जो एक साइड का कैरेक्टर था जिसका कोई रोल नहीं था उसको ला करके जो है हीरो बना करके पेश किया गया ताकि असल चीज़ छुपी रहे और इनका जो प्रोपेगेंडा है वो होता रहे। डॉक्टर सैयद अब्दुल रहमान साहब से मेरा अगला सवाल ये होगा कि मिल्लत में या कौम के अंदर जो तुलबा तालबात है उनके तालीमी मसाइल बहुत सारे हैं जी, तो वो मसाइल पर आप लोग क्या काम अंजाम दे रहे हैं? जहाँ तक तालीमी मसाइल का मामला है, इसमें हमारा मानना ये है एज ए फेडरेशन, एज ए फाउंडेशन, सबसे पहले तो ये है कि तालीम के मैदान में कॉरपोरेट सेक्टर ने बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन वो कर लिया। आप देखेंगे कि कोई इदारा अगर किसी को खोलना है तो इदारे वही लोग खोल सकते हैं जिनके पास में पैसा ज़्यादा है जी, इस रास्ते से कॉरपोरेट सेक्टर की एंट्री हो गई जी। जो कॉलेजेस वगैरह खोलने के लिए इवन छोटे से सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज हैं उनको भी आपको अगर परमिशन लेनी है गवर्नमेंट से तो एक भारी बैंक डिपॉजिट वहाँ पे रखना पड़ता है जी। अब जाहिर सी बात है कि किसी एक्स वाई जेड पर्सन ने, किसी सरमायादार ने, किसी बिजनेसमैन ने एजुकेशन के इस पर्टिकुलर कोर्स को शुरू करने के लिए इतना पैसा लगाया है तो वो मार्केट से उसका रिटर्न चाहेगा जी, बिल्कुल। तो मार्केट से उसका रिटर्न वो फीस की सूरत में और डोनेशन की सूरत में हासिल कर सकता है। अब जाहिर सी बात है कि खसूस मुसलमानों के अंदर ऐसे लोग बहुत कम हैं जो किसी कोर्स को पूरा करने के लिए, किसी करिकुलम को, किसी डिग्री को हासिल करने के लिए पूरा पैसा दे सकते हैं जी। नतीजा ये हुआ कि यहाँ पर पढ़ने के लिए भी अमीर बच्चे आए जी। और इसमें अमीर बच्चे अगरचे कि उनके पास काबिलियतें और सलाहियतें नहीं,
और वो गरीब बच्चे जिनके पास काबिलियतें सलाहियतें हैं लेकिन पैसा नहीं है, वो लोग इस तालीमी मैदान से दूर रहे, ये एक सबसे बड़ा मसला है। तो मुस्लिम यूथ फाउंडेशन जो है इस सिलसिले में क्या कदम उठा रही है, क्या इसको देखिए अभी जो हमारी सिचुएशन है, हमारी जो अपनी पोजीशन है, इस पोजीशन में हम सिर्फ एक रिक्विजिट गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं कि हमारा मानना ये है कि तालीम में ये मसाइल, तालीम के मैदान के ये मसाइल है, इनकी इस्लाहत ऐसे की जानी चाहिए, हमारे पास ये सोल्यूशन है, हमारे पास एक ब्लूप्रिंट हमने गवर्नमेंट को देना चाहिए, एचआरडी को रिक्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा ये है कि इस ताल्लुक से अवाम के अंदर बेदारी पैदा करना, जो अवाम मतलब इस चीज़ को जैसे जानते बूझते शौरी और गैर शौरी तौर पे इन चीज़ों को फॉलो कर रही है, हमारा मानना ये है कि उनके अंदर बेदारी पैदा की जाए कि आपका असल मसला ये नहीं है कि आप बड़े कॉरपोरेट स्कूल के जो है उस स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाए, तो कहाँ जाए, आपका असल मसला ये है कि आपके ईमान और अकीदों को भी ख़राब किया जा रहा है, असल मसला है ना, आपके लिए तरक्की और मेराज ये नहीं है कि आपको फलाँ सेंट और इस तरह के स्कूल में एडमिशन मिल गया, बल्कि वहाँ एडमिशन लेने के बाद में आपके ईमान की खैरियत, ये असल आपका मसला है, ये ईमान की हिफाजत जरूरी है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पहलू से, इस आस्पेक्ट से हम आवाम के अंदर भी, खुसूसन मुस्लिम आवाम के अंदर बेदारी पैदा करना चाहते हैं कि आपका तालीमी मसला असल ये नहीं है, आपका असल में जो तालीमी मसला है वो ये है कि हम चाहते हैं कि इल्म के ज़रिए से अल्लाह तआला की मारिफत हो, इल्म के ज़रिए से ख़ुद इंसान अपने आप को पहचाने, अपनी ज़िम्मेदारी को समझे, ये ना होते हुए वो क्या हुआ, सेल्फ सेंट्रलाइज हो गया, वो पढ़ लिख करके और अमेरिका और लंदन जा करके सिर्फ एक पैसा कमाने की मशीन हो गया, है ना, वो अपने रूटीन से बन गया, वो किसी माशरे की भलाई का जो है वजह नहीं बना, माशरे की भलाई का सबब नहीं बना, और वो सेल्फ सेंट्रलाइज होकर के खुद अपने आप में रह गया। डॉक्टर साहब, बड़ी खुशी की बात है जिस पर आपने बात की है कि मुस्लिम यूथ फाउंडेशन के जो आपके मेम्बरान हैं या जिम्मेदारान हैं, हम जानते हैं कि अपनी तनख्वाह में से एक हिस्सा निकालते हैं जी, आपकी जो तंजीम चल रही है अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा निकाल कर माशाल्लाह आज ये लोग आप लोग काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है क्या, तो ये जिम्मेदारी सब में आनी चाहिए। जो आपने बात कही कि तालीम हासिल करने के बाद में बड़े बड़े अहदों पर चले जाते हैं, उसके बाद में अमरीका बाहर यहाँ वहाँ, लेकिन उनको कभी ये ख्याल नहीं होता कि भाई मेरे भाई जो है या मेरी कौम जो है या मेरे मुल्क के गरीब बच्चे भी जो है वो भी हकदार है क्या, बिल्कुल, तो इनके लिए हम क्या करें। तो ये आप लोग मुबारकबाद के काबिल है। अब मैं आगे बढ़ते हुए उसी सवाल पर आऊँगा आपके साथ में कि जैसे कि आपने कहा कि हम सरकार से बात करेंगे सर इस सिलसिले में कि भाई इस तरह से होना चाहिए, ये नज्म होना चाहिए, ये आप उनको एक फॉर्मूला देंगे, है ना, ठीक है, लेकिन हमारे जो मुस्लिम इदारे हैं बहुत सारे, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, जहाँ पर खुद इसकी कमी है, इन चीज़ों की कमी है, जहाँ पर इखलाकियात नहीं सिखाई जा रही है, जहाँ पर इस्लामी जो तालीमात है वो नहीं उनको बताया जा रहा है, हमारे खुद मुस्लिम इदारों में जो है इस तरह की बेहूदा हरकतें होती है, ये कैसे बन होगा, ये तो हमारे हाथ में है ना जी। तो इसमें फेडरेशन जब ग्राउंड में निकलेगी इस मुहिम के दौरान, 20 दिन की जो हमने कैंपेन लॉन्च किया है, इसमें न सिर्फ तलबा तालिबात स्टूडेंट्स बल्कि हमारी मुलाकातें एजुकेशनिस्ट लोगों से होना है, वो लोग जो मैनेजमेंट और संस्थाएं चला रहे हैं उन लोगों से हमारी मुलाकातें होना है, टीचर्स मीट हमने रखी है, तो उनको अपने अपने लेवल पर हम ये सारी बातें बताएंगे कि आपके अपने लेवल पे आपकी जिम्मेदारी क्या है, जिम्मेदारी क्या है, ये हम उनको देखें, एक मुअल्लिम की जिम्मेदारी क्या है जी, ये नहीं कि सुबह आए 8 बजे आए और 5 बजे चले गए, अपनी ड्यूटी निभाए और चले, उसके बाद में आपकी बहुत सारी जिम्मेदारी है। आज हमारे टीचर्स, सर मैं थोड़ा बाहर डाटकर आपकी मतलब माफ कीजिए कि हमारे टीचर्स अपनी जिम्मेदारी समझ ही नहीं रहेंगे, बिल्कुल, वो समझते हैं कि भाई मुझे खाली तनख्वाह लेनी है महीने भर, वो भी एक पैसा कमाने की, हाँ बस, लेकिन अपनी जो जिम्मेदारी है उनकी, भाई आप कौम के मेहमान हैं, आपको आपके जो शागिर्द हैं या जो तुलबा हैं उनको आपको आगे पहुँचाना है, जब पूरी कौम आगे पहुँचेगी जी, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, नहीं समझ रहे, बहुत से अक्सर लोग, हम सबकी बात नहीं करते हैं, इसी मसले के पेश नज़र हमने टीचर्स मीट का प्रोग्राम बनाया, अभी कल औरंगाबाद में एक टीचर्स मीट रखी है मगरिब में, परसों कोसत में एक टीचर्स मीट रखी है, अच्छा, उनसे जो है खिताब करके सिर्फ टीचर्स को उनकी अपनी सतह की जिम्मेदारियों को हमको याद दिलाना जी। तो इसमें जो है कैंपेन का एक मुहिम का एक हिस्सा है टीचर्स मीट, उनको हम बुला करके टी पार्टी पे और मुख्तलिफ पार्टीज वगैरह पे बुला करके इन्वाइट करके उनको जमा करके यही पैगाम उनके सामने रखने वाले कि आपकी अपने सतह पर क्या जिम्मेदारी है, इसी तरह से मैनेजमेंट के लोगों के साथ, इस तरह से अवाम के वो लोग जो कहीं ना कहीं तालीमी इदारों से जुड़े हुए हैं, तालीमी इदारों पर असरअंदाज होते हैं, कहीं ना कहीं उनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट वास्ता रहा हो, ऐसे लोगों से मिल करके इवन आइम्मा को हम खुतूत देने वाले हैं जी, कि आप जो है इस एतबार से बेदारी पैदा करने की कोशिश कीजिए, अपने खुतबात का इसको हिस्सा बनाइए कि तालीम के मैदान में क्या नुकसान हो रहे हैं और बहसीत मुसलमान हमको
कैसे तालीम के मैदान में जो है इन असलाहत को पेश करना चाहिए, रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो आइमा से मुलाकातें हैं, उसके बाद कॉर्नर मीट्स है, स्ट्रीट प्ले के ज़रिए से हम लोग ये बात आवाम के सामने रखने वाले हैं, खिताब आम के ज़रिए से रखने वाले हैं, और खुसूस तौर पर मुंबई थाना पूना का जो मुहिम का अख्ताम होगा, वो मुहिम का अख्ताम आज़म कैम्पस में एक नुमाइश, एक तालीमी नुमाइश के ज़रिए से होगा, और वहाँ पर एक प्रोग्राम होगा जहाँ पर वहाँ के एजुकेशनिस्ट और वहाँ के सारे जो है रिप्रेजेंटेटिव को जमा करके हम अपनी बात को रखेंगे जी। इंशाल्लाह कुछ जब हमारे सामने आते हैं जो मुस्लिम इदारे हैं, जैसे आज़म कैंपस है, पी ए रामदार साहब काम कर रहे हैं, यहाँ पर जही काजी साहब अंजुम इस्लाम के सदर हैं, जिम्मेदार हैं जी, तो क्या हम ये देखते हैं कि बहुत से मुसलमान बहुत जहीन है, बहुत परसेंटेज हाई है, लेकिन उनके पास में सरमाया नहीं है और माशी तौर पे वो बदहाल है, तो इनको एडमिशन नहीं मिल पाता है। हाँ। जो उनका क्राइटेरिया है या कि तालीमी पसमानदगी की वजह जो है, तो इनको इनके लिए क्या क्या होना चाहिए, कुछ इनको भी थोड़ा मशवरा दीजिए कि इन बच्चों का भी कुछ किया जाए। इसमें ऐसा है सिर्फ डोनेशन पर काम नहीं चलता, या मैनेजमेंट कोटा जो बेचा जाता है, जिन लोगों को एडमिशन मिल जाता है अपने दौलत की बुनियाद पर, अपने ताल्लुकात की बुनियाद पर, ऐसे लोगों ने आगे जाकर के कम से कम अपनी जिम्मेदारी वो ये समझे कि मैं तो खुद पढ़कर के निकल गया हूँ, अब मैं सिर्फ एक माशरे के गरीब जो है स्टूडेंट की जिम्मेदारी ले लेता हूँ ताकि उसकी फीस की अदायगी हो जाए। सर ये तो एक स्टूडेंट की बात की ना आपने, मैं इदारों की बात कर रहा हूँ, इदारा अपना ऐसा कोटा क्यों नहीं रखता है कि जहाँ पर ऐसे बच्चों को जो जहीन बहुत आला तरीन बच्चे हैं उनको बिना किसी उसके जो है वहाँ पर तालीम दी जाए। सब इदारे ऐसे नहीं होते, कुछ इदारों में ऐसे मतलब जो बच्चे पढ़ लिख करके अपनी काबिलियतों की बुनियाद पर आगे जा सकते उनको ऐड दी जाती है मुख्तलिफ नामों से, उनके पास जो बाहर से ग्रांट वगैरह आता है उस ग्रांट में उन बच्चों का वो हिस्सा रखते हैं। हो सकता है कि हमारी मालूम में वो चीज़ें ना हों जी, तो इस तरह की सहूलियात हम उनको दे करके ऐसे बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं। ये मुहिम बॉम्बे में कहाँ कहाँ, इसके कुछ खास कुछ प्रोग्राम? मुहिम की जो मुहिम का जो ड्यूरेशन है वो 26 अगस्त से 16 सितंबर तक चलना है 20 दिन में। इसमें से खसूस तौर पे जोगेश्वरी है, भिवंडी है, साकीनाका है, मुमरा है, इस तरह के बड़े बड़े शहर, मतलब बड़े बड़े जो मुस्लिम लोकेलिटीज़ हैं ऐसे, और खसूस तौर पे जहाँ पे मुस्लिम यूथ फाउंडेशन की मतलब ब्रांचेस है जहाँ पे सर्कल यूनिट्स हमारे मौजूद हैं और हमारे वर्कर्स हैं, हमारे अफराद हैं, वो अपने अपने तौर पर इसको पोलराइज करेंगे इस इश्यूज को अपने अपने माशरे में। तो इस पूरी मुहिम की मालूमात जो है मिल्लत तक कैसे पहुँचे, कि क्या ज़राए होंगे आपके अपने पैगाम पहुँचाने के, पॉम्पलेट है कि जी इसमें तो पहले फेडरेशन की तरफ से कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सकें जी, फेडरेशन की तरफ से इसमें पहले तो एक बैकग्राउंड नोट आई है ऑफिशियली स्टेट को, उसमें उन्होंने समझाया है कि मुहिम को जो ऑर्गेनाइज करने का असल मकसद क्या है, ये अपने लोगों को उन्होंने समझाया है उस बैकग्राउंड नोट के जरिए से। इसके बाद सेकेंड स्टेट में मुहिम की बुकलेट्स आने वाली है जो अलग अलग लैंग्वेज में है, जिसमें तालीमी मवाद होगा कि आप इन इन मौजूद के तहत इन बुकलेट्स को आइमा तक पहुँचाइए, आइमा को बोलिए कि आप इस तहत बात कीजिए, वो उसमें मतलब रेडीमेड तालीमी मवाद है जिसमें कुरान है, अहदीस है, वाक़ियात है, जो मुस्लिम साइंटिस्ट होकर के गुजरे हैं, जो मुस्लिम एजुकेशनिस्ट होकर के गुजरे हैं उनके वाक़ियात हैं, उनके कुर्बानियों के सारी चीज़ें, वो बुकलेट्स हम आइमा को देंगे, एजुकेशनल लोगों से मुलाकात करेंगे, साथ में छोटा सा तोहफा लेंगे। जैसे अलग अलग इलाकों में आपने बताया कि जैसे जुडिशरी है और इलाके बॉम्बे शहर में अलग अलग आपके प्रोग्राम होंगे, तो उसकी तारीख और वक्त जो है किस तरह से आप मतलब? तारीख वक्त का मामला ऐसा है कि 20 दिन में एक फ्लेक्सिबल प्रोग्राम हमको अरेंज करना है, जैसे अभी 8 तारीख को भिवंडी के अंदर एक एग्जीबिशन होना है और 14 तारीख को आज़म कैंपस पुणे में एक एग्जीबिशन और प्रोग्राम होना है जी। इस तरह के बड़े बड़े प्रोग्राम की हमने डेट तय की है, बाकी जो सर्कल यूनिट्स है उनको वो मतलब सहूलियत दी गई है कि अपने हिसाब से जब कन्वीनियंट हो सके वो इन सारी एक्टिविटीज़ को अंजाम दें, जो एक्टिविटीज़ मैंने आपके सामने बताया कि कॉर्नर मीट्स है, स्ट्रीट प्लेज है, और आइमा से मिलना है, उनको खतूत देना है, एजुकेशनल लोगों से मुलाकातें करना है, टीचर्स मीट है, गार्जियन से पेरेंट्स से मिलना है, ये सारी चीज़ें उसका जो है कंपोनेंट्स है सारे कंटेंट। डॉक्टर साहब बातें तो बहुत सारी हैं, ले आखिर में हम ये जानना चाहेंगे कि आप मुस्लिम यूथ फाउंडेशन की जानिब से आवाम को, तुलबा तालबात को और हमारी कौम को, मौलिम और मौलिमात को, सभी को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए मुहिम का जो फाइनल कंक्लूजन है उस तालु से मैं यही कहना चाहूँगा कि तलबा व तालिबात या वो लोग जो तालीमी मैदान में किसी भी तरह से जुड़े हों,
उनके साथ कहीं ऐसे कुछ मामला पेश आते हों जहाँ पर वो अपने ईमान का ख़तरा महसूस कर रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली वो अपने मज़हब को फॉलो करें। अकीदे का जब मामला हो, ईमान की जब बात हो, तो इस तरह के मामला और इशूज़ में किसी भी तरह की मसालियत और मदाहनत वो इख्तियार ना करें। ये एक आम जो है मतलब उमूम पैगाम है मुहिम के सिलसिले में, मुहिम के मौके से जो है आवाम को देना चाहिए। दूसरे अहम बात ये कि जितने तालीमी उमूर में जितने बातिल निज़ामाए तरीक़े हैं उनसे मुकम्मल बरात हम इख्तियार करें, तो यही हमारा पैगाम होगा इस मुहिम के मौके से आवाम के लिए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी कि आप आमना सामना स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने इस मुहिम के तालुक से नाज़रीन को हमारी मालूमात पहुंचाई। हम नाज़रीन से भी चाहेंगे कि मुस्लिम यूथ फाउंडेशन के जो जिम्मेदारान काम कर रहे हैं आप उनका ताउन करें और इस काम में आप भी आगे आएँ। इतना कहते मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।